दोस्तों, हम सब ने एक कहानी तो सुनी होगी बचपन में, कछुए की और खरगोश की। आपकी नजर में उन दोनों में से काबिल कौन था और कामयाब कौन था? नमस्कार आप सभी को, जय राम जी की। बोल हरियाणा की इस सीरीज में मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे, वो विषय जो जिसका बचपन से लेके अब तक हमारी जिंदगी में ना बहुत प्रभाव रहा है। तो वो विषय है कामयाबी वर्सेस काबिलियत। लोग अक्सर ये कहे हैं कि भाई, जो जितना काबिल है वो उतना ही कामयाब है, मतलब कामयाब इंसान ही काबिल है। तो कामयाबी का मतलब है भाई, कितना पैसा कमा लिया, कितना रुतबा कमा लिया, कितनी दौलत शोहरत कमा ली, कितना इस इंसान की अप्रोच है, पहुंच है। और काबिलियत एक शब्द मात्र बन के रह जाता है, एक छोटा सा एक अंडररेटेड वर्ड है। काबिलियत मतलब कहाँ तक, बचपन तक सीमित रह जाए। बड़ा काबिल बच्चा है, बड़ा होशियार बच्चा है, बहुत अच्छा करा है इस सब्जेक्ट में, बड़ा होके पता नहीं कितना कामयाब होगा। ये नहीं कहते ये काबिलियत के बारे में कोई बात नहीं करता, बड़ा होके बहुत कामयाब होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो इंसान कामयाब है वो काबिल है, या जो इंसान काबिल है वो कामयाब ही हो। हम कई बार क्या हो है कि जो कामयाबी इज सक्सेस एंड काबिलियत इज एक्सीलेंस, समटाइम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और समटाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमें एकदम एक झटके में कामयाबी मिले जरूरी नहीं, हमारी काबिलियत एक झटके में सबको दिखे कोई जरूरी नहीं है। बहुत वक्त लग गया है, बहुत ज़्यादा हमें प्रयास करने पड़े हैं, बार बार करने पड़े हैं, बार बार फेलियर का सामना करना पड़ा है, और बार बार हम फिर से अपने आप को उठाते हैं, फिर से हौसला बुलंद करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं कि हम कामयाब हों। लेकिन फिर बाकी के लोग हमें कैसे आंकते हैं? क्योंकि कामयाबी से तो आंका जाएगा कि भाई काबिल है कि नहीं है। वो कहेगा भाई निठल्ला है, काम करके राजी को नहीं ने, खाट तोड़े है, टूक तोड़े है, काम का ना काज का, ढाई मन नाज का, पता नहीं क्या क्या ये जुमले हमें सुनने को मिलते हैं, कहावतें सुनने को मिलती हैं। थाली बाड़ा, थाली नाम काटड़ा मुंडे, समथिंग समथिंग, पता नहीं क्या क्या हमें सुनने को मिलता है इस जर्नी में। दोस्तों, हम सब ने एक कहानी तो सुनी होगी बचपन में, कछुए की और खरगोश की। आपकी नजर में उन दोनों में से काबिल कौन था और कामयाब कौन था? कहानी पढ़ी, शिक्षा ली, अंत में खरगोश की बजाय कछुआ रेस जीतता है, तो क्या वो काबिल ज्यादा था या कामयाब ज्यादा था? हमारे खरगोश को तो अपनी छलांग पे भरोसा था, लेकिन कछुए को किस पे था? आत्मबल पे, अपने प्रयास पे, अपनी दृढ़ता पे, दृढ़ निश्चय पे। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे जो बाकी के जो लोग हैं, जो अभी तक कामयाबी को नहीं छू पाए हैं, वो काबिल नहीं हैं। वो अपना प्रयास जारी रखें, निरंतर आगे बढ़ें, दृढ़ता लेके आए, मजबूत इरादे रखें, और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना कि भाई मेरे को लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, निरंतर आगे बढ़ते रहें, निरंतर गति रखें, उस चीज़ को धीमा ना होने दें अपने प्रयासों में, अपनी ऊर्जा में कोई क्षण ना होने दें ऊर्जा को। और मैं कहती हूँ कि एक न एक दिन आप सबको कामयाबी जरूर मिलेगी, और किसी की काबिलियत को कभी भी उसकी कामयाबी से नहीं देखना चाहिए, उससे नहीं नापना तोलना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं से हम अंदर से टूटते हैं कि आज मेरे को कामयाबी नहीं मिल रही, तो मेरा कल को देख के मेरे कल का अंदाजा ना लगाओ, मेरा आज जो है वो मैं हूँ, और आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ, प्रयास हम सब कर रहे हैं कामयाबी की तरफ। सबकी नज़रों में कामयाबी का अलग अलग मापदंड है, मेरी हम सब की नज़रों में किसी भी को भी जज करने का, उसको अपने स्टैंडर्ड में, अपने पैरामीटर में बांधने का कोई हक नहीं है। हम सबको उनके हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से कामयाबी मिलती है, और जरूर मिलती है। काबिल सभी हैं, पैदाइशी हैं काबिल, कोई नाकाबिल तो है ही नहीं। मैं कविता आपसे इजाज़त लेती हूँ, और फिर से हम आपसे मुलाकात हो गई बोल हरियाणा की इसी सीरीज में, नई कड़ी में, नए विषय पे। आप हमें अपना अनुभव शेयर करें, मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्ते, जय हरियाणा, बोल हरियाणा, जय हिंद।